हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से, प्रश्न 1.37 को लेकर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफार्म के वाष्प दाब क्रमशः 841.8 mmHg तथा 623.8 mmHg हैं। यह मानते हुए कि संघटन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं, पी क्लोरोफार्म तथा पी एसीटोन को एक्स एसीटोन के फलन के रूप में आलेखित कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाइए। मिश्रण के विभिन्न संगठनों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल डाटा है ये दिया गया है और फिर बोला गया है उपरोक्त आंकड़ों को उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है आपके क्वेश्चन में और इस डाटा के अनुसार आपको ग्राफ प्लाट करना है। आपको कितने ग्राफ प्लाट करने हैं, तो एक ग्राफ आप बनाएंगे पीकुल के लिए, पी क्लोरोफार्म के लिए, पी एसीटोन के लिए, और इन सब ग्राफ को आप एक्स एसीटोन यानी एसीटोन के मोल अंश के फलन के साथ बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए डाटा को हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आप देखें कि पहले लाइन में एसीटोन एक्स ए मीन्स एसीटोन का मोल अंश यहाँ पे दिया गया है और इसके कई मान दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एसीटोन का मोल अंश है ये 100 के साथ गुणा करके दिया गया है, यानी 100 × XA दिया गया है, यानी 100 × एसीटोन का मोल अंश करके दिया गया है। आप इन मान को देखकर भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 11.8, 23.4, आप जानते हैं मोल अंश की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 11.8 मान होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और इसको मोल अंश के वास्तविक रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने भी ये मान दिए गए हैं सबको 100 से भाग कर देंगे ताकि ये वास्तविक मोल अंश में बदल जाए। तो देखिए, ये था 100 × XA। अब हम यहाँ से निकाल के मान रखेंगे XA का और इसके लिए सबको हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 में 100 से भाग दिए तो 0 हो गया, 11.8 में 100 का भाग किए तो हो गया 0.118, और इसी प्रकार 23.4 में जब हमने 100 का भाग किया तो ये हो गया 0.234, और इसी प्रकार से सबको हमने 100 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख लिया। दूसरे पंक्ति में आप देखें तो PA यानी कि एसीटोन का वाष्पदाब दिया गया है mmHg में। यहाँ पे कोई गुणा भाग नहीं करना है क्योंकि ये अच्छे से मान दिया गया है, इसमें कोई गुणा करके नहीं लिखा गया है, तो इस लाइन को ठीक ऐसे ही हम यूज कर लेंगे। और इसी प्रकार PC यानी कि क्लोरोफार्म का वाष्पदाब दिया गया है, इसको भी हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर जो डाटा है इससे हम दो ग्राफ बना सकते हैं, एसीटोन के वाष्पदाब का और क्लोरोफार्म के वाष्पदाब का। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि पी कुल का भी ग्राफ आपको बनाना है, यानी कि जो विलयन है उसके वाष्पदाब का आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम पी कुल का एक लाइन ऐड कर लेते हैं। अब पी कुल कैसे निकलता है, आप जानते हैं कि यदि विलयन में ये दो घटक है एसीटोन और क्लोरोफार्म, तो दोनों के वाष्पदाब को जोड़ देंगे तो विलयन का कुल वाष्पदाब आ जाएगा, जिसको यहाँ पे हमने PT से प्रदर्शित किया है। तो ये mmHg में कैसे मिलेगा आपको, इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के लिख लिए हैं और इसी प्रकार इस लाइन को पूरा हमने कम्प्लीट कर लिया। तो ये आंकड़े को थोड़ा हमने अपने हिसाब से चेंज किया है ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। अब चलिए ग्राफ पेपर पर चलते हैं और इन आंकड़ों को लेते हैं और इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो PA का बनाएंगे, यानी एसीटोन के वाष्पदाब का बनाएंगे। और किसके फलन के रूप में बनाना है आपको, तो XA के यानी कि एसीटोन के मोल अंश के फलन के रूप में बनाना है।
तो देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एसीटोन का मोलन्स कितना है, तो जीरो है। और जब एसीटोन का मोलन्स जीरो है तो एसीटोन का वाष्पदाब भी जीरो है। यदि इसको हम ग्राफ में शो करें तो यह पॉइंट बनेगा यहाँ पर मूल बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर जो एसीटोन का मोलन्स है वो भी शून्य होगा और वाष्पदाब भी शून्य होगा। अब देखिए दूसरे डाटा में ये बोला गया है कि जब एसीटोन का जो मोलन्स है वो 0.118 हो गया है तो वाष्पदाब हो गया है 54.9। तो मोल अंश वाले जो ये मोल अंश वाला एक्सिस है जिसको आप एक्स एक्सिस कहेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं जो कि एक 0.118 पॉइंट पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक से 0.1 से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है, तो ये जो मोलंस है, ये जो पॉइंट है वो कितना मोलंस प्रदर्शित करता है, 0.118 को। और इस मोल अंश पे वाष्पदाब का मान कितना है, 54.9। तो वाष्पदाब 54.9 हमने लिया इधर से, और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे, तो ये डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा कि जब एसीटोन का मोल अंश 0.118 हो गया है तो इसका वाष्पदाब कितना हो गया, 54.9। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी प्रकार हम अगला डाटा यूज करेंगे, तो जब एसीटोन का जो मोलंस है 0.234 हो गया है तो वाष्पदाब 110.1 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो मोल एसीटोन का मोलंस वाला एक्सिस है यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, कहाँ पर, 0.234 पर, और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दिया। अब वाष्पदाब वाले अक्ष पर हम 110 को लेंगे और 110 से यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे इधर, और जहाँ पे ये दोनों लाइन ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, और ये पॉइंट ये प्रदर्शित करेगा कि जब एसीटोन का मोलंस 0.234 हो गया है तो वाष्पदाब हो गया है 110.1। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार तीसरे डाटा का यूज करेंगे, तो इस बार हमको मोलंस लेना है 0.360। तो 0.360 से हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इस समय वाष्पदाब कितना हो गया है, 202.4। तो 202.4 से हम लाइन खींचेंगे और जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। और इसी प्रकार जो डाटा है आगे का उसका यूज करके हम डॉट लगा लेंगे। तो सारे डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो सभी डॉट को आपस में जोड़ दे। तो ये जो प्लॉट हुआ है, ये जो ग्राफ बना है, ये पीए का ग्राफ हो जाएगा, यानी कि एसीटोन के वाष्पदाब का ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे एसीटोन का मोल अंश बदल रहा है वैसे वैसे उसके वाष्पदाब में भी बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे एसीटोन का मोल अंश बढ़ रहा है एसीटोन का वाष्पदाब भी बढ़ रहा है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई। अब ठीक इसी प्रकार से हम पीसी यानी कि क्लोरोफार्म के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो अभी हमने बनाया इसको हमने यहाँ पे दिखाया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको एसीटोन का जो मोलंस है वो जीरो रखना है, और जब एसीटोन का मोलंस जीरो है तो पीसी यानी कि क्लोरोफार्म का जो वाष्पदाब है वो 632.8 है। तो मोल अंश जीरो कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे सीधा ऊपर हमने एक पॉइंट बनाया है, और किस वाष्पदाब पे ये पॉइंट रखेंगे हम, तो इस समय जो क्लोरोफार्म है उसका वाष्पदाब है 632.8। तो यहाँ पर 632.8 पर हमने ये पॉइंट बनाया है। इसी प्रकार से ये दूसरा डाटा लेंगे जहाँ पर हमको एसीटोन का मोलंस रखना है 0.118। यहाँ से हमने 0.118 से एक लाइन खींचा है, और इस समय जो क्लोरोफार्म है इसके वाष्पदाब को रखना है 548.1। तो 548.1 से देखो वाष्पदाब से हमने एक लाइन खींचा है, और जहाँ पे ये कट किया है यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लिया है। इसी प्रकार से अगले मान को हम लेंगे, तो अगला मान हमको लेना है 0.234। तो 0.234 से हमने एक लाइन खींचा है, और इस समय जो क्लोरोफार्म है इसका वाष्पदाब है 469.4। तो 469.4 वाष्पदाब से हमने एक लाइन खींचा है यहाँ पर, और जहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, और ये पॉइंट ये प्रदर्शित करेगा कि जब एसीटोन का मोलंस 0.234 है तो क्लोरोफार्म का वाष्पदाब है 469.4।
तो ये डॉट लगा लिया हमने। और इसी प्रकार बाकी डाटा का यूज करके हम डॉट लगाते रहेंगे और फिर एक ऐसी लाइन खींचेंगे जिससे सारे डॉट आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से ये ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ को हम कहेंगे पीसी का ग्राफ, यानी कि क्लोरोफार्म के वाष्पदाब का ग्राफ। और किसके रिस्पेक्ट में हमने बनाया, किसके फलन के रूप में बनाया है, तो हमने एसीटोन के मोल अंश के फलन के रूप में बनाया है। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी प्रकार हमको ठीक पीटी का ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये दो ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अब पीटी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो फिर से आपको एसीटोन का मोल अंश जीरो रखना है और आप देखें कि पीटी का मान कितना है, 632.8। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो देखो मोल अंश जीरो है और वाष्पदाब कितना है, 632। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्योंकि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ही जो एसीटोन का मोल अंश है वो शून्य है। अब दूसरा डाटा हमको लेना है कि 0.118 जब एसीटोन का मोल अंश है तो इस समय पीटी का मान है 603। तो 603 से हमने लाइन खींचा इधर की तरफ, वाष्पदाब पे 603 पॉइंट से आगे आए और यहाँ पर जो मोल अंश वाला जो एक्सिस है यहाँ पे हमने 0.118 से ऊपर गए और यहाँ पर जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। अब ये डॉट ये शो कर रहा है कि जिस समय बिलियन में एसीटोन का मोल अंश 0.118 है, इस समय बिलियन का कुल वाष्पदाब है 603 mmHg। इसी प्रकार अगले डाटा का यूज करेंगे हम। तो अगले डाटा में एसीटोन का मोल अंश है 0.234। तो 0.234 से हमने एक ऊपर की तरफ लाइन खींचा और इस समय पीटी का मान कितना है, तो पीटी का मान है 579.5। तो वाष्पदाब से हम 579.5 से एक लाइन लाएंगे और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे। अब ये डॉट ये प्रदर्शित करेगा कि जिस समय विलयन में एसीटोन का मोल अंश 0.234 है, इस समय पीटी का जो मान है, यानी कि विलयन का कुल वाष्पदाब है, वो 579.5 है। और इसी प्रकार आगे के डाटा को यूज करते हुए हम पॉइंट्स लगाते रहेंगे। अब दो का मैंने समझा दिया है तो आप आगे भी लगा सकते हैं और जब सारे पॉइंट लग जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना होगा जो इन सभी पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दे। तो ये जो ग्राफ बना है ये हो जाएगा आपका पीटी, यानी कि विलयन के कुल वाष्पदाब का ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ हमको बनाना था और ये तीनों ग्राफ हम लोग इस समय बना चुके हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया था कि इस ग्राफ को देखकर आपको ये समझना है और ये समझाना है कि क्या यहाँ पर कोई विचलन है, आदर्श गुण से कोई विचलन है, और विचलन है भी तो धनात्मक विचलन है या ऋणात्मक विचलन है। तो आप जानते हैं कि यदि यह विलयन पूरी तरह से आदर्श विलयन बन जाए तो आदर्श विलयन का जो पीटी का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि एसीटोन के वाष्पदाब और क्लोरोफार्म के वाष्पदाब के मध्य ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये होगा पीटी आइडियल सोल्यूशन के लिए। जबकि हमारे क्वेश्चन के डाटा के अनुसार जो विलयन के कुल वाष्पदाब का ग्राफ आया है ये आइडियल सोल्यूशन के नीचे आया है, यानी कि यहाँ पर विलयन में ऋणात्मक विचलन देखा जा रहा है। तो इस ग्राफ से हम ये समझा सकते हैं कि विलयन में ऋणात्मक विचलन है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ है इस ग्राफ के ऊपर ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तो आप धनात्मक विचलन कहेंगे और जब इसके नीचे चला जाएगा तो आप कहेंगे ऋणात्मक विचलन। तो ये है पीटी आइडियल सोल्यूशन के लिए और जो एक्चुअल ग्राफ है ये इसके नीचे आ गया है, यानी कि विलयन में ऋणात्मक विचलन है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।